सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको करवाया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली अगर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल को, दो पार्ट में यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो बांटा गया है। एक तो सिंपल आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल है और एक आपका है साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तो ये आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज भी काफी हाई है। सबसे ज्यादा मार्क्स के आपके इससे क्वेश्चन रिलेट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो 14 प्रिंसिपल है, ठीक है, ये बाई हेनरी फोर्ड के थ्रू गिवन है। ठीक है, जिनके बारे में भी हम देखेंगे कि कई बार आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह में आपसे पूछे जा सकते हैं ये हेनरी फोर्ड क्या थे, ठीक है, इनका प्रोफेशन क्या था ऑल ओवर, ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ, ये कहां गए थे ऑल ओवर। ठीक है, तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हेनरी फोर्ड का, ये हमारे मैनेजमेंट फील्ड में इन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए। ठीक है, बट अगर हम बात करें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तो चार हमारे पास साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जो F.W. टेलर यानी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के थ्रू गिवन है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट फील्ड में ये है, इन्होंने चार साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए और इन्होंने कुछ टेक्निक्स वगैरह दी जो आने वाली वीडियोस में हम इसको आगे देखेंगे, आगे कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हेनरी फोर्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहली बात करें तो ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 1841 में हुआ था। ठीक है, और ये फ्रांस के थे एंड इनका प्रोफेशन जो था ये कोल माइन इंजीनियर थे। इन्होंने एक सक्सेसफुल, एक प्रॉस्पेरस ऑर्गेनाइजेशन को अपने आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होते हुए देखा। जब इन्होंने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया कि आखिर क्यों इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कंपनी या इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे डिस्ट्रॉय हो गई या कैसे नीचे इतनी डाउन में हो गई और, ठीक है, तो इन्होंने सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि वहां पे कुछ ना कुछ तो कमी है। ठीक है, किसी प्रिंसिपल की कमी है और, ठीक है, तो इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट फील्ड में 14 प्रिंसिपल के वे में आता है। ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स हम आज कवर करेंगे और ओनली प्रिंसिपल ही कवर नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, वॉयलेट करता है, उल्लंघन करता है, तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या क्या पड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट, डिवीजन ऑफ वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आपका है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम को बांट के करना है। इन दिस प्रिंसिपल हेनरी फ्यू सजेस्टेड दैट दिस अ लॉट ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड अकेला इंडिविजुअल सारे काम को तो नहीं कर सकता, सो ऑल द वर्क विल डिवाइड इनटू द स्मॉलर पीस एंड दीज आर कंसीडर्ड एज जॉब एंड ईच जॉब विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा काम है, ठीक है, और वो सारे के सारे काम एक अकेला इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता, तो इसलिए सभी काम को छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फिर उसको किसके बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, उनके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए ठीक है, इसके थ्रू हमें पता तो चल चुका है कि काम को हमें बांट कर करना है। ठीक है, सपोज अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हमने ये भी देखा है कि वर्क विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन इंप्रूव होगी। ठीक है, और ना ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कलोड बढ़ेगा और। ठीक है, सपोज अगर हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, डिवीजन ऑफ वर्क हमने फॉलो नहीं किया, नो स्पेशलाइजेशन, किसी भी एम्प्लॉयज में कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी और वर्कलोड तो इतना हो जाएगा कि काफी डिफिकल्टीज वगैरह आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन के सामने। तो चलिए, पहला प्रिंसिपल आपका हो चुका है। दूसरा है आपका अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अगर हम बात करें, अगर कोई सुपीरियर अपने सबोर्डिनेट को, यानी अगर कोई भी बॉस है अगर किसी एम्प्लॉयज को काम सौंप रहा है, कोई असाइनमेंट दे रहा है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर। देखिए यहां पे, अथॉरिटी विल ऑलवेज इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज एक कैंडिडेट है, ये हमारा कैंडिडेट आ गया, इसको हमने अथॉरिटी ज्यादा दे दी, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है, क्योंकि ये तो बोलेगा कि हाँ भाई मुझे तो पावर मिल चुकी है, ठीक है, सारे के सारे काम मैं ही करूंगा ऑल ओवर। ठीक है, यानी एक्सेस ऑफ अथॉरिटी में मिसयूज द पावर। ठीक है, सपोज अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, अथॉरिटी कम, देन ही विल बी ओवरबर्डन, ये ओवरबर्डन हो सकता है ऑल ओवर। ठीक है,
तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ना ही ये ज्यादा अपनी पावर को मिसयूज करे, ना ही ये ओवरबर्डन हो, तो इसीलिए जब किसी भी कैंडिडेट को कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो अथॉरिटी किसके इक्वल होगी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रीक्वेंटली अच्छी तरह से काम को कर पाएगा, अपना पूरा एफिशिएंट दिखा पाएगा ऑल ओवर। ठीक है, सो ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है, अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का भी आप समझ ही सकते हो ऑल ओवर। ठीक है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, सभी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिटरमाइन वगैरह किए ऑल ओवर। ठीक है, सपोज अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, तो इंप्लाइड सी बात है, आप भी सोच सकते हो, समझ सकते हो कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, कैसा भी ऑल ओवर, ठीक है, तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या क्या हो सकते हैं या नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है अगर आपने फॉलो नहीं किया तो। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन आपका। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। कई बार इससे केस स्टडीज आपकी यहां पे पूछी गई है उसे आपके क्वेश्चन पेपर में। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? देखिए, अगर हम बात करें वन एम्प्लॉय शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू द वन बॉस ओनली, एक एम्प्लॉय एक टाइम पे एक बॉस के थ्रू ही ऑर्डर रिसीव करे। क्यों? क्योंकि अगर वो एक से ज्यादा बॉस के ऑर्डर को रिसीव करता है सेम टाइम पे तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बहाने ढूंढेगा कि हाँ मैं बच जाऊं ऑल ओवर। क्यों? क्योंकि अगर वो एक बंदे का काम करता है या एक बॉस का काम करेगा तो बार बार की बॉस उससे नाराज हो सकते हैं। ठीक है, या अपना गुस्सा अपना प्रेशर उनके ऊपर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये बोला गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर हम काम सौंप रहे हैं उसको ऑल ओवर, ठीक है, तो एक टाइम पे एक बॉस के थ्रू ही ऑर्डर रिसीव हो। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन इन द सेंस अगर हम बात करें, एक दिशा एक डायरेक्शन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, देखिए जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल रिलेट कर रहे हैं हम ट्रिप का। ठीक है, जब आप ट्रिप पे जाते हो स्कूल वगैरह में तो आप कुछ बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप के ऊपर एक हेड यानी एक टीचर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपके कुछ स्कार्फ्स वगैरह कलर वो भी जो भी है वो आपको दे दिए जाते हैं ऑल ओवर। ठीक है, और वो जो आपका टीचर है जो आपका हेड है जो आपका गाइड है वो आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन में लेके जाता है। ठीक है, तो इंप्लॉइज के अंदर भी होना चाहिए कि एक सुपीरियर है, सुपीरियर पूरी टीम को लीड करेगा और वो किस तरफ लीड करेगा टू वर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यस, अपने गोल को अचीव करने की डायरेक्शन में लेके जाएगा ऑल ओवर। ठीक है, सपोज अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते ना हमारा कोई हेड हो पाएगा सही, ना कोई हमारा डायरेक्शन हो पाएगा, हमें जाना क्या है, हमें अचीव क्या करना है ऑल ओवर। ठीक है, तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी ये मैंने पांच प्रिंसिपल कवर किए ऑल ओवर। ठीक है, नौ प्रिंसिपल और कवर करेंगे और हम ये भी देखेंगे आगे कि एफ डब्ल्यू टेलर ने जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक के वे में, वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे, आगे देखेंगे ऑल ओवर। ठीक है, इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज है या कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व करवा सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।